हर दिन हम खुद से या अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं। कई बार लगता है कि गलत रास्ता लेकर आगे बढ़ जाना कितना आसान होगा, पर कर्मों का हिसाब किस तरह होगा इस पे हम गौर नहीं करते। आज जो हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं वो आज की नहीं, पिछले कई जन्मों में इकट्ठे किए गए कर्मों की है। अगर हम आज भी अपने कर्म नहीं बदलेंगे तो ये मुसीबतें दोबारा हम पर आएंगी। इससे सबसे जल्दी मुक्त होने का रास्ता है केवल ध्यान। ध्यान आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको बताएगा कि बुरे से बुरे वक्त को भी आप किस तरह विवेक, प्रेम और शांति से सुलझाकर हमेशा के लिए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो। हर दिन बुराई पे अच्छाई को चुन सकते हो। तो चलिए कुछ पल ध्यान करते हैं और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें हथेलियों को ऊपर रखते हुए, और अब मेरी आवाज के साथ जुड़े रहें। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे छाती में रोक लें, और कुछ पल रुकने के बाद अब उसे मुंह से बाहर जाने दें और धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला छोड़ दें इसके साथ। एक और लंबी गहरी सांस भरे, बिल्कुल पेट के अंदर तक इसको जाने दें और इसे भी रोक लें, और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने जबड़े को ढीला छोड़ दें, अपने कमर को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे फिर से रोक लें, देखें कितनी गहरी हो रही है ये सांस, और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ते जाएं। अब हर सांस पर ध्यान दें कि सांस कितनी गहरी होती जा रही है, कितनी शांत होती जा रही है, और अगर अभी भी सांस उतनी गहरी नहीं है तो फिर से एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे अंदर रोक लें, और मुंह से इस तरह से सांस छोड़ें कि शरीर में बंधी किसी भी तरह की सांस अपने आप खाली हो जाए, और इसको आप दिन में जितनी दफा चाहें कर सकते हैं। अब ध्यान अपने पैरों, हाथों पर ले जाएं, कंधों पर ले जाएं, मस्तिष्क पर ले जाएं, चेहरे पर ले जाएं। यहाँ पे हो रहे खून के बहाव को महसूस करें, अपने दिल के धड़कन को महसूस करिए। ध्यान अपनी सांस पर लेकर जाएं, देखिए कि सांस किस तरह नाक के आगे इकट्ठी होकर अंदर जाती है, मस्तिष्क में फैलती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। इस शांति को महसूस करें। किसी भी स्थिति में सरल रास्ता चुनना बहुत आसान होता है, पर क्या ये सरल रास्ता हमारे और दूसरों की भलाई के लिए है या नहीं, इसका चयन करना बेहद आवश्यक है। इस पल में देखिए कि आज तक आपने जितने भी ऐसे फैसले लिए हैं, जितने भी ऐसे रास्ते चुने हैं, उसमें शायद आपके चेहरे पर तो मुस्कान थी, मगर आप उन लोगों के चेहरे देखिए जो इस परिस्थिति से प्रभावित थे, क्या दिख रहा है आपको? अगर किसी के भी चेहरे पर उदासी है, आपके उस कदम के लेने की वजह से मायूसी है, तो आज इस पल में उससे क्षमा मांगेंगे। हम यहीं बैठे दूसरे की आत्मा से क्षमा मांग सकते हैं। अगर मौका मिले तो उनसे मिलकर क्षमा मांगे, मगर अगर नहीं कर सकते तो ये भी करने से, अपने ध्यान में बैठकर भी क्षमा मांगने से, हम अपने आप को उस कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पर ये भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। कहिए कि आपको नहीं पता था कि आपके कर्म का उन पर ये नतीजा होगा, ये प्रभाव पड़ेगा, और अब आप कहिए कि वाकई ये शायद मेरे लिए सरल था, मगर आज से आगे के लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ
कि मुझे ऐसे रास्ते दिखाए जिसमें दूसरों का भी भला हो, मेरा भी भला हो और मैं उस स्थिति से आसानी से निकल सकूं। जरूरी नहीं कि अच्छा रास्ता हमेशा कठिन हो, अगर परमात्मा का आपके साथ साथ हो तो हर रास्ते पर सबसे सरल उपाय आपको मिलता है। जरूरत है तो ऐसे ध्यान की स्थिति में रोज बैठ जाने की जहां परमात्मा आपसे बात करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। माफी मांगने के बाद देखिए कि उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के धागे, ऊर्जा के सूत्र जो आपसे जुड़ रहे हैं वो अब ढीले होते जा रहे हैं और आपसे मुक्त होते जा रहे हैं। देखिए कि आपका शरीर कितना ढीला होता जा रहा है जब दूसरे लोगों का आपसे ऊर्जा सूत्र छूटे जा रहा है। आपका शरीर और हल्का हो रहा है। आपके जीवन में वो सारी परिस्थितियाँ जो इसके कारण बनी हैं अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। स्वयं ही नए रास्ते आपको मिलते जाएंगे। अब कुछ पल हम शांत रहेंगे और परमात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। क्या मार्गदर्शन हमारी अंतरात्मा हमें दे रही है आज, इस पर, इसके लिए हम अब तैयार हैं। कुछ पल इस स्थिति में बैठने से हम हर परिस्थिति को और बेहतर और साफ देख सकते हैं। इसको देखने के बाद हमें वो सारे साधन मिल जाते हैं जिससे हम उस स्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। आज से हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरह से किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। ध्यान ने हमें वो रास्ता दे दिया है, वो मार्गदर्शन दे दिया है कि हम सही चयन कर सकते हैं, बुरे विचारों पर अच्छाई के विचारों की जीत करवा सकते हैं। अपने हर दिन को अब हम सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और शरीर में उस प्रकाश को बहते हुए देखिए जो परमात्मा का प्रकाश है। सांस छोड़ते हुए देखिए सारी काली ऊर्जा जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थी बाहर जाती जा रही है। किसी भी तरह की ऊर्जा के सूत्र जो दूसरों से जुड़े हुए थे वो अब मुक्त हो रहे हैं। जब हम दूसरों से माफी मांगते हैं उससे हम अपने रास्ते खोल लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है, फर्क पड़ता है कि हम उसका जवाब किस तरीके से देते हैं। हम सिर्फ अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और आज से हम सिर्फ इसका चयन करेंगे कि हम किस तरह से दूसरे के साथ पेश आते हैं। और जब परमात्मा का साथ हमारे साथ होगा, हमारी अंतरात्मा का साथ हमारे साथ होगा, हम हमेशा अच्छे रास्ते पर ही चलेंगे जिससे हमें सदा दूसरों का समर्थन मिलेगा, प्रेम मिलेगा और सब हमें आसानी से समझ पाएंगे। अपने आसपास मौजूद सारे लोगों को शुक्रिया अदा कीजिए। जिनके साथ आपका कोई बैर भी हो उनको भी शुक्रिया कीजिए और देखिए हर दिन के साथ उनका व्यवहार आपकी तरफ बदल रहा है और वो हर दिन आपको समर्थन दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ दोस्ती की एक नई राह पर चलने लगे हैं। एक और लंबी गहरी सांस भरते हुए शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से प्रतिष्ठित होने दीजिए, पूरी तरह से बस जाने दीजिए कि आज से आपका जीवन हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत का व्याख्यान करेगा। और अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इन्हें अपनी आंखों पे रखते हुए आंखें आराम से खोलिए। स्वागत है आपका एक खूबसूरत जीवन में।